गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आपके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं? और हो सकता है कि आज के बाद अपनी सक्सेस के लिए आप कुछ और बेहतर कदम उठा पाएं। आज आप 10th क्लास में हैं और जब आप अगले 2 साल के लिए प्लान करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए और कौन से ऐसे फैक्टर्स जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। जब आप अपनी सक्सेस के लिए प्लान करने का सोचते हैं तो सबसे पहली चीज आती है, मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा टीचर ऑप्ट करना चाहिए जो कि मेरी इस 2 साल की जर्नी में मुझे सक्सेस तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करेगा। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका एक इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करने के लिए या एक टीचर को ऑप्ट करने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? हम बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जिसमें फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक उसमें दिखाए जाते हैं। तो आपका क्या क्राइटेरिया ये है कि मुझे इन टॉप रैंक्स में आना है, या फिर आपका क्राइटेरिया ये है कि आई वॉन्ट टू बी इन वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स? आपका क्राइटेरिया क्या है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू एंड टू योर पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी इन टॉप कॉलेजेस में देखना चाहते हो, या फिर आप सोचते हो कि सक्सेस मींस गेटिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक इन IIT। इफ यू थिंक गेटिंग दिस टॉप रैंक्स इज ओनली द सक्सेस क्राइटेरिया, मैं आपके साथ एक रियल एग्जांपल शेयर करता हूं। सुंदर पिचई, गूगल CEO, नाम तो आपने सुना होगा, वन ऑफ द टॉप अर्नर्स एंड होल्डिंग टॉप पोजिशंस इन द वर्ल्ड्स वन ऑफ द टॉप कंपनी। यस, ही इज फ्रॉम IIT एज मेनी अदर CEOs. But he was not one of those top rankers. And you will be surprised to know ke unhone B.Tech kiya metallurgy mein from IIT Kharagpur. And his all India rank was close to 2000. Jo 90% badi companies ke CEOs hain, many of them are IITians, but none of them got those top ranks. Maan lijiye कि IIT का फर्स्ट रैंक मुंबई के एक इंस्टीट्यूट से निकला जिसकी इंडिया में 50 जगह फ्रेंचाइजीज हैं, जिसे वहां के टॉप टीचर्स ने पढ़ाया, और वहीं मुंबई का रिजल्ट दिखाकर ऑल ओवर इंडिया 50 फ्रेंचाइजीज में लाखों बच्चे भरे जा रहे हैं। ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई कि आग मुंबई में लगी है और खिचड़ी आप पंचकुला में बैठे बना रहे हो। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके टीचर्स ने 35 में से 32 बच्चे टॉप कॉलेजेस में आप ही के शहर पंचकुला से निकाले हैं, और ऐसा वो पिछले 16 साल से लगातार निकालते आ रहे हैं। तो क्या अब आप अपने आप को उन स्टूडेंट फैक्ट्रीज में किसी भी टीचर्स के साथ देखना चाहोगे जिनका कोई सिलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या फिर उन टीचर्स के साथ देखना चाहोगे जो हर साल टॉप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? इन स्टूडेंट फैक्ट्रीज में टॉप रैंकर्स तो सबको दिखते हैं, मगर उन बाकी लाखों बच्चों का क्या हुआ? Nobody shares and nobody bothers. As per research, इन इंस्टीट्यूट्स की सिलेक्शन परसेंटेज 1% से भी बहुत कम रहती है। आप इस भीड़ का हिस्सा होना चाहोगे, या फिर उन इंस्टीट्यूट्स में जहां पे 35 में से 30 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और जिनकी परसेंटेज सिलेक्शन इज मोर देन 90%? So where you see yourself, where is more probability of your selection in 1% or in 90%? I leave it to your wisdom. आइए, मैं आज आपको एक ऐसे institute के बारे में बताता हूँ, जिसका success percentage is more than 90%. उनके 2019 में 35 में से 32 बच्चे select हो चुके हैं, और उनका 2019 का batch बच्चों के बीच में Super 30 के नाम से popular हो चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ 5-6 classes की, और इसी इंस्टीट्यूट से सुरभि मिगलानी जैसे बच्चे निकले हुए हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 अमंग गर्ल्स। रचित बंसल ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल ओवर इंडिया फिजिक्स टॉपर, नाउ इन IIT बॉम्बे। शोभित गोयल इंटरनेशनल ओलंपियाड स्कॉलर, ऑल ओवर इंडिया मात्र 3 सीट्स, और उसमें से इस इंस्टीट्यूट से एक स्टूडेंट। चैन सिंह ऑल इंडिया रैंक 35, अनुपम देव All India rank 25 and many more. और इन्हीं 35 के बैच में से, 35 के बैच में से ऐसे ऐसे ranks भी निकल जाते हैं। अब आपको decide करना है कि आपकी success की probability उस 1% में है
या इस 90% में है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच।